हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को होली की मुबारक ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ मैं जो मुस्लिम वर्ग है उसके लिए भी रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहूँगा। तो प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुल्ली। आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में यहाँ पर आज मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होती है। और सभी को पता है कि तिरंगे में 3 कलर होते हैं, सेफ्रॉन, वाइट, ग्रीन, ये सबको पता है। पर मैं आज यहाँ पर उस वाइट पोर्शन में एक जो चक्र होता है वह उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो टुडे लेट्स स्टार्ट नाउ अशोक चक्रा। तो यहाँ पर मैं अशोक चक्र के बारे में डिस्कस करूँगा, बात करूँगा अशोक चक्र। और अशोक चक्र जो है उसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि उसको कहा जाता है संसदी भव चक्र। ओके ओके फ्रेंड्स, या फिर उसको कहा जाता है धर्म चक्र। इतना समझ में आया? अशोक चक्र जो है उसके और नाम है संसदी भव चक्र, या फिर उसका मतलब जो है नाम है धर्म चक्र। यू अंडरस्टैंड? अब मैं आपको कुछ और रोचक यहाँ पर इससे रिलेटेड जानकारियां दूंगा। यहाँ पर जो तीलियां हैं, यानी कि अशोक चक्र में 24 यानी कि 24 तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। और एक तीली से दूसरी तीली के बीच में जो एंगल होता है, जिसको हम हिंदी में कोण कहते हैं, वो होता है 15 डिग्री का। ठीक है, याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इसमें 15 डिग्री का एक एंगल होता है। और ये भी याद रखना साथ ही साथ में कि ये जो 24 इसमें तीलियां होती हैं, 24 इसमें जो तीलियां होती हैं वो 24 घंटे का प्रतीक होती हैं, 24 घंटे का प्रतीक होती हैं, ये भी याद रखना है गाइस। ओके, हमने क्या समझाया? ठीक है, तो यहाँ पर हम 24 तीलियों के बारे में बताएंगे। नंबर 1 संयम, नंबर 2 आरोग्य, नंबर 3 शांति, ठीक है, नंबर 4 सील, नंबर 5 त्याग, नंबर 6 क्षमता, ठीक है, नंबर 6 क्षमता, नंबर 7 सेवा, नंबर 8 मैत्री, नंबर 9 प्रेम, प्रेम तो जानते ही आप लोग हैं, नंबर 10 बंधुत्व, यानी कि बंधुत्व भी जानते हैं भाईचारा, नंबर 11 संगठन, नंबर 12 कल्याण, नंबर 13 अधिकार, नंबर 13 अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर हम 24 तीलियों के बारे में बताएंगे। नंबर 1 संयम,
नंबर दो आरोग्य, नंबर तीन शांति, ठीक है, नंबर चार सील, नंबर पांच त्याग, नंबर छः क्षमता, ठीक है, नंबर छः क्षमता, नंबर सात सेवा, नंबर आठ मैत्री, नंबर नाइन प्रेम, प्रेम तो जानते ही आप लोग हैं, नंबर दस बंधुत्व, यानी कि बंधुत्व भी जानते हैं, भाईचारा, नंबर संगठन, संगठन, ठीक है, संगठन, नंबर 12 कल्याण, नंबर 13 अधिकार, अधिकार, नंबर 14 कर्तव्य, नंबर 15 सह कार्य, सह कार्य, नंबर 16 न्याय, नंबर 17 नीति, ठीक है, न्याय नीति, नंबर 18 अर्थ, नंबर 19 समता, ठीक है, नंबर 15 यानी कि समता, नंबर 20 नियम, नंबर 20 नियम, नंबर 21 व्यवस्था, 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 नंबर 22 सुरक्षा, नंबर 24 23 उद्योग, नंबर 24 समृद्ध, डियर फ्रेंड्स ये अशोक चक्र के बारे में हमने बताया। अशोक चक्र जो है वो हमारे जो राजा हुए हैं अशोक, ठीक है, उनके मतलब जो स्तंभ से लिया गया है। और यह स्तंभ कहाँ है मित्रों, यह स्तंभ है